लेजेंड है, मौला जट में भी अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और इसमें भी अल्लाह से बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें इज़्ज़त दें। इस फिल्म के गानों से बहुत तवक्कु है, जैसे मैंने लिखे हैं और जैसे ज़ुल्फ़िकार अत्रे साहब ने बनाए हैं, नई ही मिसाल दी है। आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा ये डिफरेंट मेटाफर बनाए हैं, ये डिफरेंट मसाले हैं, तशबीहात डिफरेंट हैं। दौर शुरू हुआ है, सरमे का दौर ही नया शुरू हुआ है और जैसे ये डिजिटल स्क्रीन पे नया दौर आया है, इसने बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल दिया है। इस डिफरेंट माहौल में जब नई फिल्म आई है, नई फिल्म ने नया म्यूज़िक दिया है, म्यूज़िक में चेंज आई है, कहानी में चेंज आई है, पिक्चर्स में चेंज आई है, वो यकीनन बहुत बड़ा प्रेशर है उसका, क्योंकि इसकी जो है प्रोडक्शन कास्ट और उसकी प्रोडक्शन कास्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुरबान प्रिंस और आप देखें हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट और रंग इश्क़-ए-दा के खूबसूरत गीत तहरीर करने वाले शायर, खूबसूरत इंसान खाकान हैदर गाजी साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इस फिल्म के गीतों से उनको क्या तवक्कुआत है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अब तो नाम ही काफ़ी है। नहीं, सलामत रहें, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये अल्लाह का दिया हुआ नाम है, अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त है सर। लेजेंड है, मौला जट में भी अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और इसमें भी अल्लाह से बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें इज़्ज़त दें। और मुझे इस फिल्म के गानों से बहुत तवक्कु है, जैसे मैंने लिखे हैं और जैसे ज़ुल्फ़िकार अत्रे साहब ने बनाए हैं, बहुत ही खूबसूरत बनाए हैं। क्या सोच कर लिखते हैं इतने खूबसूरत गीत? क्या जहन में चल रहा होता है कि जो पंजाब की मिट्टी की खुशबू है वो अल्फाज से झलक रही होती है? कुछ ऐसा है कि जैसे इसका पहला ही गाना है पहली बारी तकिया में उनू, ये हमारे जहन में था कि हमने जो लड़की के बारे में जो भी मिसाल दी जाए वो पहले गानों से डिफरेंट हो। अगर किसी ने भी इस पैटर्न पे कोई पहले गाना लिखा वो नई मिसाल हो, तो नई ही मिसाल दी है। आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा ये डिफरेंट मेटाफर बनाए हैं, ये डिफरेंट मसाले हैं, तशबीहात डिफरेंट हैं। एक दौर था खाकान साहब के पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों के जब गाने आते थे तो लोगों की कोशिश होती थी कि फैमिली के साथ वो उठ के सिनेमा से या तो बाहर आ जाएं वो 5-10 मिनट, या फिर वो सुने ही ना, देखे ही ना, या फिर वो साइड पे ही हो जाते थे कि हमने ये पंजाबी फिल्म देखनी नहीं। लेकिन अब है कि लोग कहते हैं कि गानों का मज़ा लें, बाकायदा मज़ा लें। जिस तरह अल्फाज के साथ खेला जा रहा होता है, जिस तरह फिर उसकी पिक्चराइजेशन के साथ खेला जा रहा होता है, इस चीज़ को कैसा देखते हैं कि फैमिली दोबारा वापस आना शुरू? जी बिल्कुल, इस तरह के एक नया दौर शुरू हुआ है, सरमे का दौर ही नया शुरू हुआ है और जैसे ये डिजिटल स्क्रीन पे नया दौर आया है, इसने बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल दिया है। इस डिफरेंट माहौल में जब नई फिल्म आई है, नई फिल्म ने नया म्यूज़िक दिया है, म्यूज़िक में चेंज आई है, कहानी में चेंज आई है, पिक्चर्स में चेंज आई है, उसके इफ़ेक्ट्स में चेंज आई है, ग्राफिक्स में चेंज आई है, तो ज़ाहिर है वो चेंज है, लोगों ने उसको पसंद किया है और लोग इसलिए फिल्म देखने आ रहे हैं। सर, द लेजेंड ऑफ मौला जट 250 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस कर चुकी है, क्रेडिट पे इतनी बड़ी फिल्म, और उसके बाद रंग इश्क़-ए-दा, प्रेशर है कि उसके बाद जो नई फिल्म आ रही है 2023 में आज रिलीज़ होने जा रही है, प्रेशर आता है जहन में कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा? सर, वो यकीनन बहुत बड़ा प्रेशर है उसका, क्योंकि इसकी जो है प्रोडक्शन कास्ट और उसकी प्रोडक्शन कास्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और उसकी प्रोडक्शन कास्ट और इसमें इतना फ़र्क है कि हम उसको कंपैरिजन करना जो है ना मुश्किल है। सो अल्लाह से उम्मीद है कि ये जो छोटा सा घरौंदा बनाया है यही कामयाब हो जाए। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को, अपने चाहने वालों सब को? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, नई फिल्म है, नई कहानी है और इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, नई कास्ट है और उसमें कुछ पुराने अदाकार भी हैं, और म्यूज़िक को देखें, म्यूज़िक को इंजॉय करें, सुनें और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। एक दफ़ा आप सिनेमा में आएँ और मूवी देखकर फैसला करें कि आपको कैसी लगी। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, ये थे खाकान हैदर गाजी साहब जिन्होंने फिल्म द रंग और रंग इश्क़-ए-दा के खूबसूरत गीत तहरीर किए, और उन्होंने फिल्म बीनों से यही अपील की है कि एक बार ज़रूर सिनेमाघरों का रुख करें, फिल्म देखें और फिर अपना फ़ैसला सुनाएं। इसके साथ कुरबान प्रिंस को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।